सितारगंज में गन्ना किसान ने उप जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर बहेड़ी गन्ना चीनी मिल के कांटे लगाए जाने को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। वहीं किसानों ने बताया कि विगत 2 वर्षों से चीनी मिल सितारगंज बंद पड़ा है। इसके बाद सितारगंज क्षेत्र के किसानों का गन्ना तुलाई के लिए बहेड़ी चीनी मिल के कांटे लगाए गए थे। किसान उससे काफी सहमत थे, लेकिन इस बार सितारगंज पंडरी गन्ना तुलाई के लिए जो कांटा लगाया गया है वो बहेड़ी चीनी मिल का ना लगाकर बाजपुर चीनी मिल का लगाया गया है। गन्ना किसानों ने एक ज्ञापन दिया है। उनके द्वारा कुछ जो मुद्दे उठाए गए हैं वो है कि गन्ना सेंटरों पर होने वाली घटतौली, इसके अलावा उनके द्वारा जो उनको बहेड़ी चीनी मिल आवंटित थी पहले, उसको भी बाजपुर कर दिया गया है। किसान चाहते हैं कि उसको वापस से बहेड़ी कर दिया जाए, और इसके अतिरिक्त तो वो चाहते हैं कि किन किन सोसाइटी में होने वाली अनियमितताओं के बारे में भी उन्होंने शिकायत की है। जो 2 साल से आज 3रा वर्ष है गन्ना जो चीनी मिल है सितारगंज की जो बंद पड़ी है, जिसकी वजह से किसानों को बहुत ही आर्थिक नुकसान हो रहा है, तो सारे जागरूक किसानों ने इकट्ठे होकर आज यहाँ पे मीटिंग करके एक गन्ना किसान चीनी मिल चलाओ संघर्ष समिति बनाई है, ताकि इस चीनी मिल को चलाने में सहयोग किया जा सके, आंदोलन किया जा सके, क्योंकि सरकार कोई भी सुनने को राजी नहीं है। और 3 साल से जो है केवल लॉलीपॉप देते आ रहे हैं कि चीनी मिल चलाएंगे, चली नहीं है। तो इस चीनी मिल को चलाने के लिए संघर्ष समिति बनाई है, और 10 तारीख को जो समिति बनाई उसने निर्णय लिया कि 10 तारीख को SDM कोर्ट में विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा चीनी मिल चलाने के लिए।